हेलो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जो है बहुत दुखी रहता है, सांसारिक जीवन जीता है और बहुत दुखी रहता है। तो वो जो है अपने दुख को दूर करने के लिए कुछ सोचता है कि क्या किया जाए। तो इन चीज़ों पर जो है चर्चा करेंगे। एक मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन जीता रहता है और वो बहुत जो है अपनी लाइफ से जो है बहुत दुखी रहता है। तो वो क्या सोचता है कि मैं जो है अपने लाइफ को चेंज करूंगा, और ये सोचकर जो है वो बुद्ध के पास जाता है। वो और बुद्ध को बोलता है कि मैं आपके साथ रहूंगा और आपके साथ ही मेरे को रहना है, ऐसा करके। तो बुद्ध के साथ रहता है वो, उसी के साथ, बुद्ध के साथ ही रहना है उसको। बुद्ध के साथ मतलब 24 घंटे वो बुद्ध के साथ ही जो है अपना रहता है। साथ में वो जहाँ जाता है उसकी सत्संग सुनता है, मतलब उसी की तरह जो है वो लाइफ स्टाइल जीता है। तो वो जो है क्या बोलते हैं, वो पहले की अपेक्षा उसका दुख जो है कम हो जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से उसका दुख खत्म नहीं होता है। तो समय बीतता जाता है, 6 महीना, साल भर। तो साल भर बाद जो है वो बुद्ध को पूछता है कि मेरा दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है, या मेरा दुख जो है मैं दुख से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं, ऐसा करके। तो साल भर बाद जो है बुद्ध उनको जवाब देते हैं कि आपके दुख का कारण कोई और नहीं है, आप स्वयं हो। हम जो है, बुद्ध उनको बोलते हैं कि आप जो है आपके पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप वो सब घटनाओं को आप A to Z अपने माइंड में स्टोर करके रखे हो। बुद्ध उनको समझाते हैं कि आप हर घटनाओं को, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने आपको धोखा दिया, या कुछ भी, जो भी आपके पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, उसको आप A to Z उसको आप अपने माइंड में रखे हो स्टोर करके, और यही आपके दुख का कारण है। जब भी आप वो घटनाएं आपको याद आती है और आप जो है उसको आप दुखी हो जाते हो। तो हम कहाँ रह रहे हैं यह इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जो है किस तरह का माइंडसेट लेके चल रहे हैं। पास्ट में किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम वो सब घटनाओं को स्टोर करके रखते हैं और यही हमारे दुख का कारण है। धोखा दे दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो उसका कर्म है, वो धोखा दिया है, वो अपना कर्म जो है भुगतेगा वो। आप क्यों उसको जो है अपने माइंड में रखकर खुद को दुखी कर रहे हो बार बार। तो बुद्ध उनको समझाते हैं कि आप जो पास्ट की जो घटनाएं हैं उनको छोड़िए, जिस दिन आप उसको छोड़ दोगे आप जो है सुखी हो जाओगे, आपका दुख खत्म हो जाएगा। तो बुद्ध उनको समझाते हैं कि आप उनको छोड़िए, जो भी घटनाएं हुई हैं, किसी ने कुछ कह दिया, जो भी बातें हुई है पास्ट में, आप उन सब बातों को त्याग दीजिए। जिसने जो बोला है वो उसका कर्म, जिसने जो किया है वो उसका कर्म। आप जो है आप अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, इस तरह से बुद्ध उनको समझाते हैं। और इसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है उनका जो है दुख जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। ये चीज हमारे जीवन में भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, किसी ने कुछ धोखा दे दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने जो भी घटनाएं हुई हैं, वो उसका कर्म है, जो सामने वाला जो है जो भी करता है, आप क्यों खुद को दुखी कर रहे हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी घटनाएं हुई है पास्ट में, उसको जो अच्छा सीख मिल रहा है उसको लो, लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। न कि उन घटनाओं को आप पकड़ के रखो, किसी इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, जो भी बोला, हमको उन चीजों से सीखना है, लाइफ में लेसन लेना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, न कि हमको दुखी होना है। थैंक यू।